No. ए मजे लो जिंदगी के, कहा पतो कद ब्याह हो जावे। क्यों पापा, आपकी शादी हो गई? अरे बेटा कब से हो गई? अच्छा किससे की? अरे तेरी मम्मी से। क्या बात है पापा, घर में ही सेटिंग कर ली। मैं तुम्हारी जगह लेना नहीं चाहती और तुम मेरी जगह कभी ले नहीं सकती। अरे वाह यार, बॉडी थोड़ी अच्छी बना ली। क्या खाते हो? दाल चावल। दाल चावल तो मैं भी खाता हूँ। कहाँ के खाते हो? घर का। और तुम कहाँ का खाते हो? तुम्हारे लिए मेरी बस एक ही फीलिंग है, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बताओ, तुम्हें मुझसे नफरत करना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। तो फिर तुम इतने तेवर दिखाकर क्यों बोल रही हो? यही बात तुम मुस्कुरा के भी तो कह सकती हो। आई हेट यू। बात इतने बड़े लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं आप। ये दारू पी के, दारू पी के मेडल कौन देता है? बेइज्जती ही होती है। नहीं लेके जाएंगे तो इंतजार करूंगी, रास्ता कच्चा हो या धूल भरा, आपके साथ चलने को मिलेगा तो हर रास्ते पर चलो। पता नहीं रिया यार, मेरा ध्यान क्या रहता है आजकल। आज सुबह में टेबल पे मैंने 1000 रुपए रखी थी और पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो तो अच्छा हुआ नोट नकली थी। कुछ भी बोल रहे हो, असली थी, दुकान वाले ने भी ले लिया। ए, क्या कर रहा है यार? कुछ नहीं। भाई देख, तेरी एक्स भाई देख, पलट के देख रही यार। भाई लगता है पुराने सिम कार्ड में अभी भी थोड़ा बैलेंस बाकी है। नीच आदमी, तो सिंगल ही मरेगा। अरे मैम साहब, आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे साथ थाईलैंड जा रहे हैं ना। मैम साहब, सांप जब भी थाईलैंड जाते हैं आपको लेके तो जाते ही नहीं है। सही बोल रहे हो तुम, कुछ आने दो। बेबी जब भी तुम थाईलैंड जाते हो मुझे लेके ही नहीं जाते हो। अरे पगली, जब भी कोई होटल जाता है खाना साथ में लेके जाता है क्या? किसी को समझने में दिक्कत तो किसी को समझाने में दिक्कत। कुछ अकल के अंधे मिल गए थे। अजय, किसी को समझने में दिक्कत तो किसी को समझाने में दिक्कत, कुछ अकल के अंधे मिल गए थे। बड़ी खूबसूरत है। एक्सक्यूज मी मैम, यू लुकिंग क्यूट, कैन आई गेट योर नंबर? ये मैं दोबारा चल के आऊंगी, आप फिर से बोलोगे? हाँ। यस। पता है, तुम किसी टूटी हुई लड़की को जोड़कर देखना, वो दोबारा उसी इंसान के पास चली जाएगी जिसने उसे तोड़ा था। और तुम कभी किसी टूटे हुए लड़के को जोड़कर देखना, वो जिंदगी भर सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा। हम तुम्हें हर बार माफ कर देते हैं यार, इसीलिए, क्योंकि हम तुम्हें। एक्सक्यूज मी, आप सिंगल हैं? जी जी। क्या हो गया, किसने मार दिया? अब ब्रेकअप करके बोलती है तेरे से 36 आते हैं 36 जाते हैं। मैंने बोल दिया भगवान करे तेरा धंधा ऐसे चले। सुनो, मैं एक चीज मांगूंगी तो तुम दोगे? हाँ। पहले प्रॉमिस करो, पक्का से दोगे? ठीक है। वो मैंने इतने दिन से तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, तो एक थप्पड़ मार लूं? प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार एक बार। अबे तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना? अबे मैं तो हूँ समझदार। अबे तो एक बात बता, दो बिल्ली आपस में लड़ रही थी, लड़ते लड़ते एक बिल्ली पानी में गिर गई, तो बता दूसरी बिल्ली ने पहली बिल्ली को क्या बोला होगा? अबे ये क्या पूछ रहे तूने? क्या पता यार भाई, तू बता। भाई मियाऊ। अरे भाई क्या हुआ? भाई मेरा ब्रेकअप हो गया यार। अरे भाई अच्छा हुआ, ये तो तेरे रोज के झगड़ों से तेरे को छुटकारा मिल गया। हाँ यार भाई, पर वो जाते जाते मेरे को गुड मॉर्निंग बोल के चले गई। गुड मॉर्निंग? अबे क्या बोले जरा अच्छे से बता। अरे बेबी सॉरी। मैं को नहीं लेना तेरा साथ, तू निकल जा यहाँ से। जीएम उसने कहा बदल गए हो तुम, मैंने कहा वजह तुम हो। जितना तू हमको याद आवत रहू, उतना अगर इम्तहान में सवाल याद आ गए लहित, तो आज हमरो लोग सरकारी नौकरी रहित। ऐसे क्या देख रहे हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। हमने भी दुनिया देखी है बेटा,
दो लीटर पेट्रोल चला के घर आने वाला सिर्फ दोस्त नहीं होता। साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। पता नहीं यार ये पढ़ाई लिखाई का आइडिया किसको आया। स्कूल से जंगल में रहते जिंगा लाला हूँ करके मर जाते। हाय बेबी। अरे क्या हुआ, डर क्यों हो रही हो? ओह नो। अच्छा ऐसे ढाट कि आजकल बाउंसर भी लेके घूम रही हो? अरे पापा है मेरे। देखो ये साल का आखिरी महीना है, अगर मेरे आपसे कुछ भी गिले शिकवे रह जाए ना तो दिल से माफ कर देना रे, ठीक है? हेलो आपका नाम पापा किसने रख दिया? बेटा आप ही पापा कहते हो तो पापा नाम आपने रखा है। हाँ तो और पापा क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं उनका पापा नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि उनकी मम्मी से मेरी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी शादी तेरी मम्मी से होगी। अरे कहाँ जा रही हो? भूल गए क्या, हम लड़कियाँ हैं जनाब, हमें कांच में बार बार मुंह देखने जाना पड़ता है। एक इंसान ने भगवान से कहा कि आप मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनते हो जिस वक्त मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए खूबसूरत सा जवाब दिया कि मैं तुझे तेरे पापों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जिस वक्त तू करता है। विकास भाई आज ऐसा सुना जाए दिल पर लग जाए। अच्छा भाई तो सुन कि आज भी प्यार करता हूँ तुझसे, ये नहीं कि तेरे बाद कोई मिली नहीं। अरे मिली तो बहुत मेरी जान, के मिली तो बहुत मेरी जान, पर तू मुझे किसी भी चेहरे में दिखी नहीं। पर कभी औलाद होने का फर्ज भी निभा लिया। मानता हूँ कमाई भी जरूरी है, पर कभी औलाद होने का फर्ज भी निभा लिया करो। वो कुछ ज्यादा नहीं मांगते तुमसे, कुछ वक्त माँ बाप के साथ ही बिता।